इस क्वेश्चन में हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेंट फंक्शन है एक्स क्यूब साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स रेस टू द पावर फोर देन होल डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स रेस टू द पावर एट देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेंट फंक्शन यहाँ पे बहुत बड़ा है। हम ऐसा करते हैं, इंटीग्रेंट फंक्शन के इस पार्ट टेन इनवर्स एक्स रेस टू द पावर फोर को हम टी एज्यूम कर लेते हैं। चलिए टी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स रेस टू द पावर फोर और अब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम जो कर रहे हैं डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स रेस टू द पावर फोर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक तो इनवर्स फंक्शन और एक एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स रेस टू द पावर फोर। तो चेन रूल अप्लाई होगा, पहले टेन इनवर्स डिफ्रेंशिएट होगा फिर एक्स रेस टू द पावर फोर डिफ्रेंशिएट होगा। हमें पता है कि टेन इनवर्स थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस थीटा स्क्वायर। इस रिलेशन को यूज करके हम लिखते हैं डी टी अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएशन हो रहा है टेन इनवर्स एक्स रेस टू द पावर फोर का, पहले टेन इनवर्स डिफरेंशिएट होगा तो हमें मिलता है वन अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू द पावर फोर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा एक्स रेस टू द पावर फोर की तरह लिया गया है तो एक्स रेस टू द पावर फोर होल स्क्वायर। ठीक है, ये टेन इनवर्स डिफरेंशिएट हो गया है। अब हम एक्स रेस टू द पावर फोर को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन होगा फोर एक्स क्यूब। तो इस तरह से हमें मिला डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू द पावर फोर होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा वन प्लस एक्स रेस टू द पावर एट और मल्टीप्लीकेशन में था फोर एक्स क्यूब। हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं इसको और इसको लिखते हैं डी टी अपॉन फोर इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर क्यूब डी एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स रेस टू द पावर एट। अब जरा इंटीग्रल आई पे नज़र डालते हैं। इंटीग्रल आई है एक्स क्यूब साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स रेस टू द पावर फोर होल डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स रेस टू द पावर एट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करके देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, पहले इंटीग्रल साइन, ये इंटीग्रेशन का साइन है, साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स रेस टू द पावर फोर। उसके बाद हम लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन में आता है एक्स रेस टू द पावर थ्री अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू द पावर एट और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड है डी एक्स। अब देखिए ये जो पार्ट है इसको हम प्रूव कर चुके हैं कि ये डी टी अपॉन फोर है तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और साइन टेन इनवर्स एक्स फोर, ये टेन इनवर्स एक्स फोर पूरा के पूरा टी बन जाएगा क्योंकि हम शुरू में एज्यूम कर सकते हैं कि टी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स फोर है। चलिए तो इंटीग्रल आई हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी और फिर डिवाइडेड है फोर से, ये बन गया वन बाय फोर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी विद रिस्पेक्ट टू टी, वन बाय फोर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी होता है माइनस कॉस टी देन प्लस सी। सी यहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, रीअरेंज करके हम इसको लिखेंगे वन अपॉन फोर माइनस साइन बाहर तो ये बन जाएगा माइनस वन अपॉन फोर इन मल्टीप्लीकेशन विद कॉस ऑफ टी। टी की जगह हम लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स रेस टू द पावर फोर, ओके देन प्लस सी।